व्यापारी की हत्या से फैली सनसनी, रात को अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। मैनपुरी जनपद के थाना बेबर क्षेत्र में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या कर दी गई है। आज सुबह उनका शव वेल्डिंग मटेरियल की दुकान में देखा गया है। पुलिस के अनुसार धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी जनपद के कस्बा बेबर में ओवरब्रिज के पास गांव रसूलाबाद निवासी 62 वर्षीय आसाराम दुबे की दृष्टि वेल्डिंग मटेरियल नाम से दुकान है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आसाराम बुधवार को दुकान में ही रुके थे। आज सुबह खून से लथपथ उनका शव दुकान में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मायना किया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या किसने की है यह पता अभी तक नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। उधर बुजुर्ग की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। व्यापारियों में भी भारी रोष व्याप्त है। दर्द होता है सवेरा निकले, मतलब घर इंग्लिश की लैट्रिन वाली खड़े होकर शर्म लग देने जाके हमें सवेरे 6 बजे लाओ टहले जाओ करते हो मां साथ। हम रोज 7 बजे आती तो सेटर आ तो गुरु या नहीं तो गुरु में तो पैसा हिसाब कर जाते हैं। सवेरे एक टाइम तो खोल देते हैं सेटर चुकाओ और इनको खून देखो। मैंने सुबह घर फोन करो, पुलिस वाले किसी का नंबर नहीं था हमारे पास। अब पुलिस का फोन करवा तो आधा घंटा बाद पुलिस आई। घटना को लेकर आपको क्या लग रहा है? कोई जान कोई हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है साहब। क्या कहना चाहेंगे? किसी पे नहीं ना हमारी किसी दुश्मनी थी, लेकिन हमारा प्रशासन से क्या कहना है कि इसकी जानकारी पूरी करके दें। और हमारे जो मंत्री जी हैं रामनरेश अग्निहोत्री जी वो यहाँ आए। डेड बॉडी उठेगी, कप्तान साहब आए, सभी लोग आए। घटना की जानकारी किसी उच्च अधिकारी को दी आपने? दी, सीओ साहब हमारे आ चुके हैं, हमारे जो थाना इंचार्ज साहब शर्मा जी हैं वो भी आ चुके हैं। मतलब किसी को कोई आपको डाउट है या किस शक है? नहीं, हमें किसी को डाउट नहीं, ना हमारी किसी दुश्मनी थी, लेकिन जानकारी पूरी चाहिए हमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सोनू दुबे, मेरे पिताजी का नाम श्री आसाराम दुबे था जिनका मर्डर हुआ है। थाना बेवर का है, ग्राम रसूलाबाद के श्री आसाराम दुबे जो अपनी दुकान में ही रहते थे। आज बीती रात्रि किसी समय इनकी धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर मृत्यु कारित कर दी गई है। इस संबंध में मौके पर थाना बेवर की पुलिस है, सीओ भगवान साहब हैं, मैं भी हूँ। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई कराई जा रही है। जांच और विवेचना से जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने क्या किसी पर शक का कोई दायरा बताया? अभी परिजनों के द्वारा किसी पर कोई शक और शुबा नहीं किया गया है। स्वाट टीम सर्वलान टीम को बुलाकर जो विवेचनात्मक पहलू है उनकी जानकारी करते हैं।